नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर की हम बात करने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर है। पार्ट फर्स्ट 20 नंबर का, पार्ट बी 20 नंबर का और पार्ट सी 60 नंबर का रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, जेफ्री चौसर क्या है? ओप द बेबीलोनियन कैप्टिविटी एंड चर्च पुस्तक के लेखक किसने हैं? टेनिस कोर्ट शब्द का महत्व क्या था? कॉन्कॉर्डेट समझौता क्या है? गस्टिन का सम्मेलन, सप्त सप्ताह युद्ध हो गया, ट्रिपल एलायंस होगा, स्पेन का गृह युद्ध। 9 नंबर है, तुर्की में प्रथम विपक्षी दल कौन सा था? अतातुक क्या है? पार्ट बी के अंदर 11 नंबर क्वेश्चन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। वियना समझौता के उद्देश्य क्या थे? 1878 ईस्वी के बर्लिन कांग्रेस का कूटनीतिक महत्व क्या है? हिटलर की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य है? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के विवेचन कीजिए। पार्ट सी के अंदर 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में पुनर्जागरण के महत्व और प्रभाव के विवेचन कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन था, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य रूप से असमानता के विरुद्ध एक विद्रोह थी, सिद्ध करना होगा। जर्मनी के कैंसर विलियन द्वितीय के विदेश नीति के विवेचन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या क्या थे? मुस्तफा कमाल पाशा की विदेश नीति के विवेचन कीजिए। 200 पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।